वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। फिर से अपने ब्लॉग में स्वागत करता हूँ। आज हम दर्शन कराने वाले हैं भोजपुरी इंडस्ट्री का पावर स्टार पवन सिंह जी के घर। तो हम आ चुके हैं फाइनली पवन सिंह के दरवाजे के सामने। चलिए पवन सिंह का आलिशान घर का नज़ारा दिखाते हैं। तो ये देखिए, ये रहा पवन सिंह जी का घर, जो कुहारी गाँव में पड़ता है, ज्वारा से 20 किलोमीटर दूर है। यही पवन सिंह का घर है। ये देखिए पवन सिंह जी का घर, दो फ्लोर है और यही रहती है पवन सिंह जी के फैमिली। और पवन सिंह जी का एक घर आरा में है और ये गांव वाला घर है। और देख सकते हैं पवन भाई का घर, चारों तरफ से बाउंड्री मारा हुआ है। तो गाइस, ये रहा पवन सिंह जी का घर, ये रहा उनका गेट। ये गेट के अंदर देखते हैं कौन है उनके घर पे। चलिए पवन सिंह जी का घर के अंदर चलते हैं, घर के अंदर का दर्शन कराते हैं। ये रहा उनका गेट और हम लोग आ चुके हैं अंदर। ये है पवन भैया का कार i20, ये उनका फैमिली कार है। और ये है पवन भैया का घर, कुछ इस तरह से नज़ारा दिख रहा है इनका, कुछ इस तरह से बना हुआ है घर। और ये है पवन भैया का पुराना घर, काफ़ी पुराना है। और पवन भैया जो भी पवन भैया के गेस्ट आते हैं तो यही बैठते हैं। और पवन भैया के घर के दोनों साइड गेस्ट रूम बना हुआ है। ये है हॉल, दोनों साइड गेस्ट रूम है पवन भैया के। और बने रहिए आप हमारे ब्लॉग में, पवन भैया के भाई से मिलवाते हैं अभी। और ये है पवन भैया का बाबा और ये का फोटो, थोड़ा सा। और ये रहा पवन भैया का पापा जी का फोटो है। और पवन भैया के घर आए हैं तो हम लोग को पानी पीने के लिए मिला है और काफ़ी सामान जब मिला है, चाय पानी सब हो रहा है हम लोग का। तो आइए पवन भैया के बड़े भाई से मिलवाते हैं। ये है पवन भैया का बड़े भाई, क्या नाम है इसका? गुड्डू सिंह। ये है पवन भैया का बड़े भाई। और पवन भैया के घर पर आने के हम लोग के काफ़ी रिस्पेक्ट, काफ़ी इज्जत मिला, चाय पानी नाश्ता सब चीज़ हुआ। और हम लोग जाएंगे भैया, पवन भैया कब आते हैं घर? पवन भैया घर का लोग फिक्स जब मन और हर एक तरह आराम में आज लेंगे जब लेने हम लोग का। पवन भैया अभी कहाँ होंगे? पटना में शायद। अच्छा, अभी पवन भैया पटना है शायद। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा भाई, और पवन भैया के घर पर काफ़ी हम लोग को रिस्पेक्ट मिला, काफ़ी इज्जत मिला कि हम लोग इतना दूर से आए हुए थे धूप में। आई होप करता हूँ कि आज का मेरा ब्लॉग आपको अच्छा लगा हो। लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, बने रहिए अगले ब्लॉग में एक से एक ब्लॉग देखने के लिए। जय हिंद, वंदे मातरम।